सो दिस इज़ द पैकेज विच आई हैव रिसीव्ड। ये मुझे मिला है यहाँ पर सुपर सिरेमिक कोटिंग का एक छोटा सा बॉटल, और ये है एक सामान जो कि मिला है इसके साथ में। अभी दिखाएंगे कि यूज़ कैसे होता है और इसका क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने ये भी एक साथ में ऑर्डर किया है, मुलायम कपड़ा। सो दिस इज़ माइक्रोफाइबर क्लॉथ। तो इसको सबसे पहले यूज़ करते हैं। मैंने बाइक को वॉश कर लिया, विच इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच यू शुड बी डूइंग। हाँ, तो अभी क्या है कि मैंने बाइक को अच्छे से वॉश करा लिया है। ये याद रहे कि वॉश कराने के बाद आपको कोई भी पॉलिश वगैरह बाइक पे नहीं लगाना है, इट शुड ओनली बी वॉश। वॉश करने के बाद अच्छे से पहले बाइक को साफ़ करते हैं ताकि कोई भी धूल हो वो निकल जाए, और उसके बाद इसको अप्लाई करते हैं। तो इसको मैंने अभी साफ़ कर लिया बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बाइक। तो इसमें सबसे पहले मैं भी अप्लाई नहीं करूँगा बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग, और मेरी इधर आप लोग में से बहुत सारे लोग इसको पहली बार कर रहे होंगे। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि सबसे पहले टैंक पर मत करिए, पहले साइड में ये सब जगह पर आप ट्राई कर लीजिए, मतलब स्टार्ट इधर उधर से कहीं करिए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये लेंगे, इसके ऊपर ये अच्छे से इस तरह से लगाएंगे। इसमें जो है ना दो पार्ट है, यहाँ पर जो है सिरेमिक कोटिंग का यहाँ पर आपको लोगो वगैरह सब दिया हुआ है। तो दूसरे तरफ में ये जो साथ में कपड़ा आता है इसको इस तरह से लगाएंगे, ऐसे करके इसको पकड़ लेंगे। अब यहाँ पर इसके 2-3 ड्रॉप गिराएंगे। तो अभी इसके 2-3 ड्रॉप ऐसे गिराएंगे यहाँ पर। और ध्यान रहे ये जो बॉटल है ना ये शीशे का है, तो कहीं गिरा कर तोड़ ना दें आप, इसलिए पहले ही नीचे रख देते हैं। और अब इसको धीरे से ऐसे अप्लाई करेंगे। लुक्स गुड, एक अलग स्मेल है इस पे। तो ये आपने देखा कि मैंने इसको कैसे अप्लाई किया। इसी तरह से पूरे बाइक पे अप्लाई करते हैं और फिर बाकी पार्ट का आपको दिखाते हैं। मैंने पीछे का सीट निकाल दिया और मैं अभी आगे का भी सीट निकाल रहा हूँ बिकॉज ये जो बाइक में काफ़ी सारे जो इसके पार्ट्स में जो कर्व्स है ना वो सीट के अंदर तक जाते हैं। तो अच्छे से अप्लाई करने के लिए मैं ये सीट भी निकाल ले रहा हूँ बिकॉज अगर वो पार्ट खाली रह गया तो ख़राब दिखेगा। मैंने इसको ऑलरेडी साफ़ कर लिया है लेकिन एक बार फिर से कर लेते हैं ताकि धूल की कोई गुंजाइश नहीं हो। इसको अच्छे से तो अभी क्या है कि इस पार्ट में कोटिंग अच्छे से लग चुका है। और मैं बता दूं कि इस पार्ट में भी कोटिंग लग चुका है, सूख चुका है, लेकिन मैं थर्ड कोट की बात कर रहा हूँ जो इस पार्ट में अच्छे से भी लग चुका है और इधर भी लग चुका है अच्छे से। तो मैं बिल्कुल 1 मिनट का वेट करूँगा और 1 मिनट के बाद आई विल जस्ट इजिली बफ विद दिस वन। तो 1 मिनट का वेट करते हैं क्योंकि अगर मैं दूसरे पार्ट अभी स्टार्ट कर दिया तो ये पूरा सूख जाएगा और जो रेसिड्यू है जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो भी साथ में सूख जाएंगे। तो मैं दूसरे पार्ट में स्टार्ट करने से पहले इस पार्ट के लिए 1 मिनट वेट करूँगा, इसको अच्छे से मॉप करूँगा और इसका जो शाइन है वो एक्टिवेट करूँगा, उसके बाद अगले पार्ट पे जाएंगे। तो इसको वेट कर लेते हैं फिर 1 मिनट। तो अगर आप मैनुअल पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है कि अगर टेम्परेचर जो है 10 to 15 डिग्री सेल्सियस है तो इसको सूखने में कम से कम 5 मिनट्स का टाइम लगेगा। 15 to 20 है तो 2 से 3 मिनट में सूख जाएगा। और सूख जाने का मतलब क्या है मैं अभी समझा रहा हूँ। और अगर जो टेम्परेचर है वो 20 या उसके ऊपर है, जो कि हमारे इंडिया में नॉर्मली ऐसा रहता है, मैं कोलकाता में हूँ तो यहाँ पर तो 20 के ऊपर ही है, तो 1 मिनट में ये कोटिंग जो है सूखने लगता है। तो अब इससे कहने का मतलब ये है कि जब आप कोटिंग करते हो तो 1 मिनट के बाद आप ये क्लॉथ लीजिए और हल्के से सारे जो धूल है जो भी रेसिड्यू है उसको साफ़ करिए और बफिंग करते रहिए इस तरह से। मतलब बफिंग मशीन तो सबके पास नहीं होता है घर में, बट हाँ इसको बफिंग करते रहिए, तब इसका असली जो है शाइन वो एक्टिवेट होगा। तो अभी वो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी क्या है कि आई एम मॉपिंग दिस वेरी केयरफुली, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, बस जो रेसिड्यू है उसको साफ़ करना है और ऐसे करते 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 शाइन एक्टिवेट होगा। तो देख सकते हो ऑलरेडी तो भी मैं इसको अच्छे से मॉप कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे का स्टेप बताता हूँ। तो एज यू कैन सी मेरा जो है कोटिंग का पूरा काम ख़त्म हो चुका है। दिस हाउ द शाइन लुक्स। मैं बता दूं कि इसका जो वाइट कलर है ये पूरा ग्लॉसी नहीं था और कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं आता था अच्छे से, बट नाउ तो अभी जो है ना रिफ्लेक्शन आने लगा है अच्छे से। मैं आपको बता दूं इवन ये सब जो पार्ट है ना जो मैट थे इसमें भी बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन, यू कैन सी। बहुत ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ कुछ धूल है, लेकिन ये इतने ईजी है ना क्लियर होने में कि आपको बाइक को पोंछने में मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जैसा इट इज़ मैट सरफेस पे इस तरह का रिफ्लेक्शन, सो इट लुक्स रियली अमेजिंग। और ये भी जो एलॉयज हैं ये भी पूरे स्मूथ हो गए हैं। तो चलिए अच्छे से इसका पूरा अच्छे से पोंछ देते हैं बाइक को, जो थोड़ा बहुत धूल जो जमा है वो भी, और उसके बाद फिर फर्दर बात करते हैं। तो चलिए काम हो चुका है पूरा, मैंने बाइक को अच्छे से साफ़ भी कर दिया है। ये देखो रिफ्लेक्शन मैट सरफेस में। अगर किसी के पास नया वाला एनएस होगा तो उनको पता होगा कि ये सरफेस कैसा होता है, और उस पर इस बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन देखो कैसा आ रहा है। सो इट इज़ रियली अमेजिंग, आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड विद द वे दिस थिंग हैज़ वर्कड। सो येस, थम्स अप टू दिस वन बिकॉज इट वर्क्स रियली वेल। अच्छे से अगर आप अप्लाई करो सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ के जो इसके अंदर है, आपको कोई भी YouTube वीडियो का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप इसके अंदर के इंस्ट्रक्शन पढ़ लोगे तो। खैर अब आप वीडियो देख ही रहे हो तो बाकी की बातें कर लेते हैं, डूज एंड डोंट्स। डायरेक्ट सनलाइट में अप्लाई नहीं करना है इसको, सनलाइट में सूखने के लिए आप ज़रूर दे सकते हैं, तो डायरेक्ट सनलाइट में अप्लाई नहीं करना है। अप्लाई करने के बाद एटलीस्ट एक दिन तक बाइक को तो बिल्कुल यूज़ नहीं करो, 48 आवर्स तक रख लेते हो तो बहुत अच्छा है, बट मेरे जैसे इंपेशेंट आदमी को एक दिन भी बहुत था, तो एक दिन हो गया वो। और 5 से 6 दिन तक आपको बाइक को वॉश नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है 5 से 6 दिन तक, बिल्कुल भी नहीं। और सेकंड चीज़ जो मैंने यहाँ पर करके गलती किया था, इस जगह पर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है बिकॉज मैंने उसको फिक्स कर लिया बाद में। आपको तुरंत यानी कि एक दिन जो मैंने बताया ना, फिर 5 से 7 दिनों तक पानी इसमें डालना ही नहीं है। बहुत लोग क्या है कि टेस्ट करने लगते हैं कि वाटरफोबिक हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब हाइड्रोफोबिक हुआ है कि नहीं हुआ है। यू डू नॉट डू दैट, बिल्कुल नहीं करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बाइक का जो शाइन जो है ठीक से रहे, सब कुछ ठीक रहे, तो थोड़ा सा वेट कर लो, बाद में आराम से टेस्ट करना। उसका मैं टेस्ट वीडियो भी डाल दूंगा, बट येस एज ऑफ नाउ दिस हाउ इट इज़, सो डू नॉट डू दैट। साबुन पानी कुछ भी नहीं लगने दें पहले कुछ दिनों तक। इवन जब आप कोट करते हैं तो वहाँ पर हाथ भी नहीं लगाइए तो अच्छा रहेगा, बिकॉज आपका फिंगरप्रिंट जो है वहाँ पर वो छप जाएगा, तो डू नॉट डू दैट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इंजन के एरिया में या भी जो भी एरिया है जो गर्म हो जाता है वहाँ पर डू नॉट डू इट, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो इंजन का एरिया है यहाँ पर मैंने नहीं किया है, ये ऐसे ही साफ़ है। और कैटालिटिक कन्वर्टर, इसको तो आप देख के ही समझ जाओगे कि बिल्कुल ये सब चीज़ों को नहीं छूना है। बाकी ये सब फाइबर के पार्ट्स में अगर आप इस तरह के पार्ट्स में करते हो तो नो प्रॉब्लम, बिकॉज मैंने यहाँ पर देखो किया है एंड इट लुक्स रियली गुड। नॉट टॉकिंग अबाउट डूज, सबसे पहले तो आपको बाइक को पूरा क्लीन कर लेना है, या अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा भी गंदा नहीं होना चाहिए। क्लीन करने के बाद अच्छे से उसको सूखने के लिए छोड़ो, सिर्फ पोंछ करके मत सुखाना, लेट इट ड्राई कम्प्लीटली फर्स्ट। और उसके बाद जब आप अप्लाई करते हो, जैसे कि मैंने वीडियो के पहले भी बताया, अप्लाई करने से पहले माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अच्छी तरह से बाइक को पोंछ लो, उसके बाद अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो मैंने कि बताया था और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, उतना वेट करें और उसके बाद मॉप कर दें अच्छे से रेसिड्यू को क्लीन करने के लिए। और उसके बाद उसको मॉप करते रहें ताकि जो है असली जो उसका शाइन है बाइक का वो एक्टिवेट होकर के आए। वैसे बाइक का शाइन नहीं, उसके ऊपर से भी शाइन ये ऐड कर देता है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सब कुछ अप्लाई हो जाने के बाद, काम कंप्लीट हो जाने के बाद बहुत ही पेशेंटली आपको वेट करना है। बाइक को डायरेक्टली कवर नहीं करो, ठीक है, क्योंकि अगर कवर जो है बॉडी में टच होगा तो वहाँ पर आपका जो कवर जो है बॉडी में कहीं पे टच होगा तो वहाँ पे आपका सिरेमिक कोटिंग ख़राब हो जाएगा। कवर करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे वेट कर लें, उसके बाद ही कवर करें बाइक को अगर आप करना चाहते हो तो। धूल मिट्टी वाली जगह पे नहीं छोड़ना है। अगर आपका घर जो है मेन रोड के बिल्कुल बगल में है तो बिल्कुल रोड के बगल में ये सब काम बिल्कुल ना करें, बिकॉज बहुत सारा धूल उड़ेगा। किसी इस तरह के एरिया में आ जाए या फिर किसी गराज के अंदर, तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू डू, बिकॉज कोई धूल नहीं आएगा, धूप नहीं आएगा, सो परफेक्टली एकदम सब कुछ हो जाएगा। हेडलाइट में यू कैन डू इट, इट लुक्स गुड। मिरर पे थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि अगर ठीक से नहीं करोगे तो यहाँ पर मार्क्स आ जाएंगे, फिर आपको विजिबिलिटी अच्छी नहीं दिखेगी। आप देख सकते हो कि मिरर पे मैंने अच्छे से किया है, रिफ्लेक्शन भी बहुत सुंदर आ रहा है, तो मिरर पे बड़े ध्यान से करना है। स्पीडोमीटर और ये सारा एरिया है, इस पर करना बिल्कुल नहीं भूलना, बिकॉज इट लुक्स लाइक न्यू नाउ। हाँ, तो एक और जो डू है जो आप लोगों को सबको फॉलो करना है, वीडियो को यहाँ तक देख लियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस तरह के बहुत सारे वीडियो मिलते जाएंगे मेरे चैनल पे। और मैं लंबे लंबे राइड्स भी करता हूँ, अभी मतलब कि कुछ दिनों में ही एक बहुत ही लंबा राइड होने वाला है जो कि मेरे सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगा, वो एक नया राइड होने वाला है। तो उस राइड के लिए डू फॉलो दिस चैनल एंड आई एम श्योर दैट यू गोना लव द वीडियोज़। और इस वीडियो को फिर यहीं पर क्लोज़ करते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।